अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरह से घर में कस्टमाइज बेस खुद से बना सकते हो, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में इन है, क्योंकि ये ऑल इन वन बेस होती है। इसको लगाने के बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगी कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए फाउंडेशन। मैं यहाँ पर मिस्टर रोज़ का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इस कंटेनर में फाउंडेशन ऐड कर देंगे। आप लोगों ने 1 टीस्पून के अराउंड फाउंडेशन ले लेना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्राइमर। मैं यहाँ पर ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आपने बिल्कुल थोड़ा सा प्राइमर इसमें ऐड कर देना है, इतना सा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे शीफर की 3x कवरेज बेस। आप इसमें स्टिक भी यूज़ कर सकते हो अगर ये आपके पास नहीं है तो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे क्लेजोनर इल्यूमिनेटर। आप इसमें पाउडर हाइलाइटर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने बहुत थोड़ा सा हाइलाइटर वगैरह यूज़ करना है, बिल्कुल इतना सा। फिर हमें इसमें थोड़ा सा कंसीलर ऐड कर देना है। क्वांटिटी आप लोग देख लो कितनी ऐड करनी है आप लोगों ने। फिर हमें इसमें डालना है लूज पाउडर। आप इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर को भी स्क्रैच करके डाल सकते हो। दोनों एक ही तरह से वर्क करते हैं, इसलिए आपके पास जो भी मौजूद हो आपने वो ऐड करना है इसमें। तो ये देखिए हमने इसमें कॉम्पैक्ट पाउडर ऐड कर दिया है। अब हमें इसमें ऐड कर देनी है केक वाटरी बेस। आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी है ताकि इस कस्टमाइज बेस के एंड रिजल्ट अमेजिंग आए। तो मैं यहाँ पर मैक की बेस यूज़ कर रही हूँ। हमें इसका सेटिंग स्प्रे के साथ बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेना है इस तरह से। तो आप लोग देखो इसका कितना अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन गया है। और हमने सेटिंग स्प्रे इसलिए यूज़ करा है ताकि हम इसको ईजिली स्टोर करके रख सकें। आप इसमें वाटर भी ऐड कर सकते हो अगर आप हाथ के हाथ बना रहे हो तो। अब हम इस पेस्ट को कलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। हमने सारा ब्रश पे ले लेना है और इसको कंटेनर में हमने डाल देना है इस तरह से। और लास्ट में हमें इसमें ऐड कर देना है 1 से 2 ड्रॉप बेबी ऑयल के। तो अब हम इस बेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, ये अच्छे से मिक्स हो गई है, इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं है। आपको इसी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि आपका बेस बहुत ही फ्लॉलेस, लॉन्ग लास्टिंग और स्मूथ बने। तो अब ये बेस मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाती हूँ अपने हैंड पर। अब हम इसे किसी ड्राई स्पंज के साथ ब्लेंड कर लेंगे इस तरह से। आपने रगड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग करनी है। तो ये देखें आप लोग कितनी अच्छी फुल कवरेज फ्लॉलेस सी बेस बनी है। अक्सर आप लोगों ने वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि वो अप्लाई कर रही होती हैं और आप लोग यही सोच रहे होते हैं कि कौन सी बेस है, तो वो यही कस्टमाइज बेस यूज़ करती हैं। और जब आप लोगों की बेस रेडी हो जाए तो आप लोगों ने कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ इसको अच्छे से सेट कर लेना है ताकि ये बेस आपकी स्किन में अच्छे से लॉक हो जाए। डैप डैप करके आपने पाउडर अप्लाई करना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की DIYs होम रेमेडीज़ वगैरह देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।